आप दूर दूर भाग रहे हो, आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। और मैं मीडिया के माध्यम से एक चीज और बोलना चाहूंगा कि उनको सोशल मीडिया पे स्टार ना बनाए, क्योंकि वो एक दोषी है। उनको स्टार ना बनाए कि भाई वो स्टार हो, वो कोई ऐसा कोई भी इतना बड़ा काम नहीं कर रखा उन्होंने जो उसको सोशल मीडिया पे आप ट्रेंड दे रहे हैं। हम ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो बेटियों की लड़ाई है, पूरा देश साथ साथ खड़ा है। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलूंगा कि उनका जो लाखों टेस्ट उन्होंने जो मांग की है वो लाइव टेलीकास्ट और पूरा देश देखे उस चीज को। हम उसके जो उन्होंने बोला हम उसका समर्थन करते हैं, हम लाखों टेस्ट के लिए तैयार हैं। उन्होंने नाम लिया है कल की विनेश और बजरंग का। मैं आपके माध्यम से भरत भूषण जी को कहना चाहती हूँ कि विनेश नहीं, जितनी भी लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेंट दी है वो सब रेडी है नार्को टेस्ट के लिए, और लाइव चलना चाहिए ताकि पूरे देश को पता चले कि उन्होंने देश की बेटियों के साथ में कितनी दरिंदगी और कितनी जाति की है। पूरे देश को जीतना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं आज पूरे 30 दिन हो गए हमें आप बैठे हुए, और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कल 23 मई को हम शाम 5 बजे इंडिया गेट पे कैंडल मार्च कर रहे हैं, तो आप सब लोग वहाँ आइए और हमारा समर्थन कीजिए। और हमारा जो ये प्रोटेस्ट है वो शुरू दिन से ही हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं, और कोई भी अगर यहाँ आके कुछ भी गलत एक्टिविटी कर रहा है या भड़काऊ भाषण दे रहा है तो उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, क्योंकि हम नहीं किसी भी आदमी के अंदर घुस सकते हैं। और जिस भी जगह हम जा रहे हैं इंडिया गेट पे, वहाँ हमारे शहीदों की जगह है और हम मर्यादा रखते हुए वहाँ कैंडल मार्च करेंगे। तो और पुलिस प्रशासन से भी सरकार से भी निवेदन है कि जो भी आए महिलाएं आए, जो भी हमारे चाचा ताऊ आए, उन्हें आने दिया जाए, क्योंकि हम शुरू से ही जो भी हमने किया है, हम मंदिर में गए, हम गुरुद्वारे में गए, हमने सब शांतिपूर्वक किया है। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, बाद में बोलिए सर। उसकी चुनरी हम बोल तो दिया, उसकी चुनरी देश के सामने आ जाएगी, वो बोल तो दिया लाइव टेलीकास्ट हो जाएगी, उनकी चुनरी कितने दाग है या ना हो सामने आ जाएंगे। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, ब्रजभूषण को ऐसे प्रिटेंड करके या ऐसे दिखा के मत पेश किया जाए कि वो देश के हीरो हैं, जिनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा हुआ है। अगर ऐसे लोगों को आप हीरो बनाओगे तो जो देश के असली हीरो हो या जो हैं, जो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिरंगा फहराते हैं, तो उनको आप किस बेस में पेश करोगे देश के सामने। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ब्रजभूषण को हीरो बना के पेश ना किया जाए। वो एक यौन शोषण का अपराधी है, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है, उनके ऊपर 7 लड़कियों ने कंप्लेंट करवा के केस दर्ज किया गया है। और जो भी ये बोल रहे हैं कि जो ये नार्को टेस्ट का, वो हमने 1 महीने से बोल रहे हैं, 1 महीने बाद उसकी नींद खुली है क्या नार्को टेस्ट के लिए, वो हमने पहले बोला था। तो ऐसे प्रिटेंड ना किया जाए कि ब्रजभूषण ने सामने से अप्रोच किया है नार्को टेस्ट का। शांतिपूर्वक खाद पंचायत है महिलाओं की पार्लियामेंट के सामने 28 तारीख को, तो हम तो पहले ही बोल रहे कि हमारी जो चीजें हो रही है वो शांतिपूर्वक हो रही है। उसमें मैं सरकार से भी और पुलिस प्रशासन से भी अपील करूंगा कि आप भी उसमें शांति बनाए रखें, हमारे लोग जो आ रहे हैं उनको रोका ना जाए। और जो ब्रजभूषण जी ने एक आरोप लगाया था कि 15 रुपए के मेडल है, उसने मेडल का नहीं तिरंगे का भी मोल लगाया है उसने, क्योंकि जब हम मेडल जीते तो हम तिरंगा लेके दौड़ते हैं मैट के ऊपर, तो उसने मेडल के साथ साथ तिरंगे का भी अपमान किया है, वो हमें देशद्रोही बता रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। धन्यवाद जी। उसकी शर्त नहीं चलेगी भाई, वो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो उसकी शर्त पर दूसरी शर्त चलेगी। जिन लड़कियों ने कंप्लेंट दी है ना, उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, हम तैयार हैं।